ठाकुर जी का बड़ा सुंदर कथा है कि ठाकुर जी मक्खन चोरी कर रहे थे। जब चारों ओर नाम हो गया मक्खन चोर, हाँ मक्खन चोर नाम हो गया ठाकुर जी का। नट खटे नंद किशोर, नट खटे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खटे नंद किशोर, नट खटे नंद किशो, माखन खा गयो माखन चो। गोकुल की नगरी में मच गया सो, माखन खा गयो माखन चो। नट खटे नंद किशो, नटक नंद किशो, माखन खा गयो माखन चो। प्रचार हो गया चारों ओर माखन चोर, माखन चोर प्रचार हो गया नाम, तो बड़ा बदनाम हो गया। क्या करेंगे, क्यों जितना सब खराब गुण है भगवान में आकर के वो भूषण बन जाता है। हमारे पास जो दूषण है, खराब गुण है, भगवान में आ जाता है वो भूषण बन जाता है उनका, और सौंदर्य उनका गुण को ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि भगवान तो हम प्रकृति जीव है, प्रकृति जीव का दोष है चोरी करना, पाप है, गलत काम है चोरी करना, और आदि आदि जो सब काम है भगवान जो करते हैं वो उनका और बढ़ा देता है उनका माधुर्य को। इसीलिए ऐसा नाम हो गया। तब यशोदा मैया एक दिन बोली, अरे लाला तू ऐसो चोरी करेगो तो तुहे को बहू देगो ना ना देगो, तेरा शादी कैसे होगा, तुझे तो कोई लड़की देगा नहीं शादी करने के लिए, नाम खराब हो गया, चोरी चोर बन गया, चोर चोर बोलते बोलेंगे सब। तो ठाकुर जी बोलते हैं, मैया अगर मैं चोरी करना छोड़ दूंगा तो मोहे तू मेरा शादी करा देगो, ब्याह करा देगो। तो चोरी करना अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या तू मेरा ब्याह करा देगो, कहाँ करा दूंगा, ना कैसा चाहिए तुझे बहू बता, ना गोरी चाहिए या काली चाहिए, ना गोरी चाहिए। और इस प्रकार बहुत कथा बता रहे हैं। एक बार और उनकी शादी करने का ठाकुर जी का बड़ा इच्छा है, ब्याह करने का, बचपन से ही दो तीन साल के ही थे ब्याह करने का बड़ा इच्छा है। तो एक बार उनका एक ताई आई थी, जो नंद सुनंद उपनंद है उनका पत्नी ताई आई थी, ताई आई थी। यशोदा मैया बोली, अरे लाला ताई को प्रणाम कर, पैर चरण स्पर्श कर। तो कान में आके बोलते हैं ठाकुर जी, क्या ताई मेरा ब्याह करा देगो, करा देगी, अगर मेरा ब्याह करा देगी तभी प्रणाम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ठाकुर जी बोलते हैं। तो बड़ा सुंदर ही ब्याह शादी, ठाकुर जी का ब्याह की कथा, बचपन से ही उनका बड़ा आनंद। मैं जेब बोलते हैं बहू शादी करेगा तो क्या करेगा, ना मैं जेब में लेके घूमूंगा, जेब में लेके जाऊंगा गाय चलाने के लिए। इस पर बड़ा सुंदर कथा है। हमारे पंडित बाबा महाराज ठाकुर जी का जो ब्याह की एक गाएंगे, भजन गाएंगे, एक रसिया गाएंगे, प्रणाम ठाकुर बाबा के चरण में। पंडित बाबा को निवेदन करते हैं और यहाँ पर वाणी का विश्राम देते हैं, और यदि कोई गलती होगा तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। मैया कर दे मेरो प्यार, मैया कर दे मेरो प्यार, मगाए दे दुल्हन तेरो कहा जाए।
झट तुल्हा बनाए बात मान ले झट तुल्हा बनाए बात मान ले गोरे हाथन बीच रचाए गोरे हाथन बीच रचाए मेहंदी थोड़ी छोटी सी बारात ग्वाल बाल पांच सात मन हरदी कुहार शीश सेहरा बंधाए धाय कर पूरी रीत गोपी गाय देंगे गीत दे दे नयो पट गीत बाबू रेशमी धराए बाबू रेशमी धराए बाबू रेशमी धराए धर मुकुट ब्याहू दे जाऊं कछाए दे कछनी थोड़ी बलदाऊ भ्रात लेना जाऊंगो बरात राखे कबहू न राखे कबहू न राखे कबहू न मिल राखे ना कबहू ताते भूरो कहे तू मैया ढूंढ दे बहू झट बन जाएगी मैया सांच बता कबुला देगी तू वो तू छोटी सी होए सुगर बोली सुआ सारी नाक आंख मुए गोरो दुल्हा बनाए पीजो कहूँ हसे नवा छोरी गोरो दुल्हा बनाए पीजो कहूँ हसे कल ही बर साने जान कल ही बर साने जान गोरी सी दुल्हन लाऊं गोरी सी दुल्हन लाऊं पर ना बन जाए श्याम रसिया लकड़ी से नरम I'm
को समझा बलदाव संग न ले जा बलदाव संग न ले जा बलदाव संग न ले जा मधुबाबे बाबा ते कह के चढ़ दे को सुंदर Thank you.